पटना से दिल्ली के बीच सीबीआई की रेड लगातार जारी। इसी बीच एक खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी के 5 से 6 विधायकों का जो फोन है वो नॉट रीचेबल आ रहा है, और इस बात को केजरीवाल ने बहुत खुलेआम तरीके से मीडिया के सामने रखा है कि भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों को खरीदना चाहती है। हाल में ही 4 विधायकों ने जो आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं उन्होंने दावा किया था कि उन्हें बीजेपी की तरफ से 20-20 करोड़ रुपए में खरीदने की कवायद की गई थी। ऐसे में आम आदमी पार्टी को डर है कि कहीं उनको विधायकों को भारतीय जनता पार्टी खरीद ना ले, ये मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं। इसीलिए कल शाम को आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग में ये तय किया गया था कि सभी विधायकों को केजरीवाल के घर पर एक मीटिंग के लिए बुलाया जाए। जब ये मीटिंग शुरू हुई तो केजरीवाल ने आरोप लगाया कि उनके 5-6 विधायकों का फोन नॉट रीचेबल जा रहा है। इस पर जब भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी से सवाल किया कि जिन विधायकों का नंबर नॉट रीचेबल जा रहा है उनका नाम बताएं, इस पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से या आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। ये थी एक छोटी सी खबर। अब आइए इस पूरे खबर की हम जांच करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें सच कितना है। कई बार आपने आम आदमी पार्टी के नेताओं को और अरविंद केजरीवाल को सफेद झूठ बोलते हुए देखा होगा। सफेद झूठ का मतलब है कि लोगों को पता होता है कि ये बात मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन उसको इतनी ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ ये बोलते हैं कि लोगों को लगने लगता है कि नहीं ये सच बोल रहे हैं, जबकि वो बात हकीकत में झूठ होती है। अपनी सत्ता की कुर्सी के पीछे खड़े वो आम इंसान यानी वोटर्स को अपनी बातों में फंसाए रखने के लिए केजरीवाल तरह तरह के झूठ बोलता है। आए दिन आपने इसके बारे में सुना होगा। अभी अभी योगेंद्र यादव के एक वायरल ट्वीट को आप सभी ने देखा होगा, जिसमें वो परमजीत कात्याल के एक पुराने वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और कि परमजीत जी ने 7 साल पहले इस घटना के बारे में मुझे जानकारी दी थी, तब मैंने पूछताछ की और पाया कि इसकी बात पूरी तरह से सच है। अरविंद केजरीवाल के आदेश पर 2013 में ही अपने ही MLA को बीजेपी के नाम पर फोन करवाए गए थे। ऐसी करतूतों के कारण हम लोगों ने आम आदमी पार्टी का नेतृत्व से मोह भंग हुआ था और हमने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया था। दोस्तों, मैं जिस परमजीत कात्याल का नाम ले रहा हूँ ये है कौन? परमजीत कात्याल कभी आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं में एक थे। अन्ना हजारे आंदोलन के दौरान बहुत ज्यादा सक्रिय थे और अरविंद केजरीवाल के बहुत ही ज्यादा करीबी माने जाते हैं। कई बड़े बड़े टीवी इंटरव्यूज में परमजीत कात्याल ने इस बात को भी एक्सेप्ट किया है कि वो अरविंद केजरीवाल के बहुत करीबी थे, और अरविंद केजरीवाल भाजपा का नेता बनाकर अरविंद केजरीवाल के ही पार्टी के विधायकों को फोन करते थे। ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, इसको मनीष रायजादा ने शूट किया था अपने एक डॉक्यूमेंट्री के लिए, और वही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आज तक को दिए एक इंटरव्यू में परमजीत कात्याल ने बताया, मनीष रायजादा एक समय में आम आदमी पार्टी के विदेशी विंग के अध्यक्ष थे और वो आम आदमी पार्टी के लिए फंडिंग किया करते थे, यानी चंदा इकट्ठा किया करते थे। उन्होंने चंदा चोर नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और उसी डॉक्यूमेंट्री के लिए इन्होंने योगेंद्र यादव, साजिया इल्मी और कई लोगों का इंटरव्यू किया था, एक क्लिप यूज किया था, और उसी में परमजीत कात्याल का भी एक इंटरव्यू था, जिस और उसी इंटरव्यू की वीडियो आज सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रही है। केजरीवाल की कड़वी सच्चाई है कि वो लोगों का प्रयोग करके आगे बढ़ता है और आगे बढ़ जाने के बाद वो उन लोगों का साथ छोड़ देता है। यही चीज हमें और आपको अन्ना हजारे आंदोलन के दौरान भी देखने को मिली थी। अन्ना हजारे आंदोलन में केजरीवाल के साथ जिन लोगों ने काम किया, मनीष रायजादा और परमजीत कात्याल, इनके साथ भी केजरीवाल ने वही किया। सत्येंद्र जैन के साथ भी केजरीवाल ने वही किया। मनीष सिसोदिया के साथ भी केजरीवाल ने वही किया। मनीष सिसोदिया के बारे में मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जितने भी स्कैम से जुड़ी, जिनकी जांच अभी हो रही है, उन सारे फाइलों पर एक पर भी अपनी खुद की साइन नहीं की है। इसके बारे में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना जी ने केजरीवाल से सवाल किया था कि जो भी फाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास साइन के लिए आती है उसमें केजरीवाल का कहीं भी साइन नहीं होता है। ये साइन या तो चीफ मिनिस्टर के ज्वाइंट सेक्रेटरी या फिर एडिशनल सेक्रेटरी के द्वारा साइन करके ये कह के भेज दिया जाता था कि चीफ मिनिस्टर ने फाइल देख ली है और फॉरवर्ड करने के लिए बोल दिया है, जबकि ऐसा किसी आपात स्थिति में किया जाता है या फिर चीफ मिनिस्टर आउट ऑफ स्टेशन हो तभी ऐसा किया जाता है। जबकि इन सारे फाइल में जो स्कैम से जुड़े हुए सारी फाइलें हैं वो कभी भी इमरजेंसी की बात नहीं थी कि उसको आनंद फानंद में फाइलों को पास कर दिया गया, और अरविंद केजरीवाल ने खुद को हर मैटर पे सुरक्षित रखा और अब साफ साफ मनीष सिसोदिया फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखा दोस्तों, केजरीवाल हमेशा ऐसे ही देश के साथ और अपने समर्थकों के साथ गद्दारी करता है, अपने साथ काम कर रहे लोगों के साथ गद्दारी करता है, और अब यही काम विधायकों के साथ भी वो कर रहा है, झूठ फैलाकर कि हमारे विधायक नॉट रीचेबल है। इसमें एक पॉलिटिकल एंगल नरेट करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल ने की है ताकि वो अपने समर्थकों का ध्यान इधर भटका पाए और भाजपा को घेर पाए। इसके बारे में आप सभी का क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद, नमस्कार।